अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरी बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से होता है। कोई बैंकर है, कोई इंजीनियर है, कोई अकाउंटेंट है, इसके अलावा बहुत सारे शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले। अगर सबसे पूछा जाए, ख़ासतौर पर जॉबियर लोग, तो उनकी एक ख्वाहिश होती है कि अपना एक बिज़नेस शुरू किया जाए। वो बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, वो फूड का बिज़नेस भी हो सकता है और किसी भी किस्म का, बट सबकी ख्वाहिश ये होती है कि अपना एक बिज़नेस किया जाए, चाहे वो छोटा हो और चाहे बड़ा हो, लेकिन बिज़नेस एट द एंड लोगों को करना होता है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं कि गाइडलाइन नहीं मिल पाती है कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सा बिज़नेस किया जाए और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं अगर कोई बिज़नेस डिसाइड कर भी ले। तो आज भी हमारा शो इसी से रिलेट करता हुआ है कि आज हम बताएंगे कि अगर आपको अपनी एक बर्गर शॉप शुरू करनी है, बर्गर का छोटा सा बिज़नेस सेटअप करना है, चाहे वो आप टेक अवे डिलीवरी करें या आप अपने घर से स्टार्ट लें या तो आप कोई आउटलेट बनाएं, तो उसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, किस तरीके से हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो आज मैं बताऊँगा आपको। हमने इस शो को जो डिज़ाइन किया है, एक पूरा सेगमेंट है जिसके अंदर मेन्यू प्लानिंग कैसे होगी, ये वीक और अगला वीक, ये दो वीक हैं हमारे पास, सैटरडे संडे और नेक्स्ट सैटरडे संडे, यानी चार दिन के अंदर इस पूरे प्लान को हम डिस्कस करेंगे कि एक छोटी सी आउटलेट अगर हमने बनानी है, बर्गर आउटलेट, तो उसके लिए हमको क्या क्या करना चाहिए और मेन्यू क्या होगा, फिर मेन्यू को बनाएंगे भी इंशाल्लाह। सबसे पहले आपको मैं बताऊँ कि बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने प्लान करना है कि आपका बिज़नेस क्या है, आपका मॉड्यूल क्या है, आप क्या करने जा रहे हैं। आए कि आपने डाइन इन वाला कोई रेस्टोरेंट बनाना है या आपने टेक अवे डिलीवरी करनी है या आप घर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी बिज़नेस आप स्टार्ट करेंगे उसके लिए बेसिक कुछ चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। सबसे पहले तो आपने एरिया डिफाइन करना है, लोकेशन देखनी है कि आपने बिज़नेस कहाँ पर करना है और किन लोगों को टारगेट करना है और जो है घर से, ठीक है। अच्छा जी, ये जो स्ट्रेटजीज हैं सारी, ये आप अगर घर से शुरू करना चाहते हैं बिज़नेस, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो मेन्यू प्लानिंग होनी चाहिए। आपने सोच लिया कि आपने एक बर्गर शॉप खोलनी है, उसका मेन्यू क्या होना चाहिए। उसके बाद कॉस्टिंग, मतलब कि उसकी प्राइसिंग कितना होना चाहिए, आप किस एरिया में बैठे हुए हैं, आप किन लोगों को कैटर कर रहे हैं, उसको देखते हुए आपने कॉस्टिंग करनी है और प्राइसिंग सेट करनी है। इक्विपमेंट क्या क्या होना चाहिए अगर आप घर से भी स्टार्ट ले लें, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके घर में अवेलेबल होती हैं, कुछ चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। पैकेजिंग, आपने अपने फूड को सर्व कैसे करना है, लोगों तक अगर पहुंचाएंगे तो किस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसको कि आपके प्रोडक्ट जाए वहाँ पे, तो आपका जो आपका बॉक्स है वो रिप्रेजेंट करे आपके ब्रांड को। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, आपने बिज़नेस शुरू किया, अब लोगों को पता कैसे चले कि आपने एक बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, लोगों तक जाने बहुत सारे मीडियम है, सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, SMS मार्केटिंग है, बहुत सारे इसके तरीके होते हैं। फिर फाइनली ब्रेक इवन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो आपको फ़ायदा दे रहा है या नुकसान दे रहा है, कब आपको फ़ायदा देगा, कब नुकसान देगा, ये सारी कैलकुलेशन आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये है 4-5 बेसिक पॉइंट्स जिनको हम इन 4 दिनों में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे मेन्यू प्लानिंग की, कि मेन्यू को कैसे प्लान करना चाहिए। मेन्यू तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि आप किस एरिया में बैठे हैं, किन लोगों को कैटर कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपने देख लिया कि आपकी लोकेलिटी क्या है, किन लोगों को टारगेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मेन्यू आप डिज़ाइन करेंगे। मेन्यू आपका होना चाहिए कीप योर मेन्यू शॉर्ट, मतलब आपका मेन्यू बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, आपका मेन्यू जो है कंप्रेस होना चाहिए, लेकिन उसको स्मार्टली खेलना है आपने, वो कैसे वो आगे डिस्कस करेंगे। ईजी टू ऑपरेट, ऑपरेशन आपका ईजी होना चाहिए, यानी कि अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो घर के लोग ही मिलकर उसको ऑपरेट कर लें और अच्छे तरीके से जो है एक अच्छा बिज़नेस रन कर लें घर से। मेन्यू आइटम नीड टू हैव लो फूड कॉस्ट,
फूड कॉस्ट जो है हमेशा अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें, हम कॉस्ट की बात करें, अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर जाके हमें प्रॉफिट मिलता है। अगर फूड कॉस्ट को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और एक्सपेंसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो हम अपने जो प्रॉफिट है उसका मीट नहीं कर पाएंगे। तो इसका हमने ख्याल करना है कि फूड कॉस्ट जो है आपकी लोअर साइड पे होनी चाहिए। डिज़ाइन मेन्यू विद लोकल इंग्रेडिएंट्स। जब भी मेन्यू डिज़ाइन करेंगे तो कोशिश करेंगे इंग्रेडिएंट जो है इजीली अवेलेबल हो मार्केट में, जो लोकली मिल जाए। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और लेट सपोज़ कल उसकी सप्लाई चेन में इशू आ जाता है तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी रेसिपीज़ जो है इफ़ेक्ट कर सकती है। डिज़ाइन रेसिपी इन स्मार्ट वे, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब रेसिपीज़ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिनका मल्टीपल यूज़ होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर बर्गर शॉप की हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि चिकन की वैरायटी होती है, बीफ की वैरायटी होती है, और तकरीबन चिकन के 4 बर्गर होते हैं, बीफ के 5 होते हैं, ठीक है, या 6-7 भी होते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो एक जैसे होते हैं, लेकिन जो सॉसेज होती हैं, जो टॉपिंग्स होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। आप उनको चेंज करते जाते हैं, आपकी वैरायटी चेंज होती जाती है, आपकी वैरायटी बढ़ती जाती है। तो जनाब यहाँ पे हम पहुँचे हैं रेसिपीज़ को किस तरीके से स्मार्ट बना सकते हैं, लेकिन छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। जैसे कि आपको पता है आज हम लोग बात कर रहे हैं बर्गर शॉप की। तो अभी तक हमने सारी डिस्कशन कर ली कि मेन्यू को प्लान कैसे करना चाहिए। तो एक सैम्पल मेन्यू हमने बनाया है जो कि हमारे ये 4 दिनों का मेन्यू भी है। 4 सेगमेंट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। स्टार्टर्स हैं, चिकन बर्गर्स की रेंज है, बीफ बर्गर की रेंज है, वैरायटी बीफ बर्गर्स की, और इसके साथ साथ जो है हमारी फ्राइज़ की वैरायटी। क्या आपके मेन्यू में कितने आइटम्स होने चाहिए, मेन्यू बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए और आइटम ऐसे होने चाहिए, आपने उसके साथ खेलना है, प्लान करना है कि यार कि कम चीज़ों के साथ ज़्यादा वैरायटी हम कैसे दे सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्टार्टर में आपको बताऊँ, क्रिस्पी फ्राइड विंग्स हैं हमारे पास, चिकन स्ट्रिप्स है, नगेट्स है। मेन्यू प्लान करते हुए आपने ख्याल रखना है कि मेन्यू जो है ना सबके लिए होना चाहिए। जितने भी किस्म के आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, चाहे औरतें आएँ, बच्चे आएँ, बुज़ुर्ग आएँ, जवान आएँ, हर किस्म के लोगों को आपने कैटर करना है। तो यहाँ पे देखें स्टार्टर्स में भी हमने इस बात का ख्याल रखा है, चिकन स्ट्रिप्स, चिकन फ्राइड विंग्स फॉर एडल्ट्स, और चिकन नगेट्स हमने बच्चों के लिए रखा है। किड्स मेन्यू भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको चिकन नगेट्स मिल गए बच्चों के लिए। अब अगर हम चिकन की वैरायटी की बात करें, चिकन बर्गर्स में क्लासिक चिकन बर्गर, ब्रेड क्रम कोटेड चिकन बर्गर, ये अमूमन आप जाते हैं बर्गर आउटलेट्स पे तो बच्चों के लिए अलग से एक बर्गर होता है, तो ये वही वाला बर्गर है। चिकन पैटी को हम कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। तो यहाँ पे ये वैरायटी मिल गई बच्चों के लिए, स्मोकी चिकन फ्ले बर्गर। चिकन फ्ले ग्रिल चिकन होगा, चिकन को हम ग्रिल करेंगे, ये भी आ गया। अच्छा, ये जो है 4 किस्म के हम बर्गर बना रहे हैं। अब ये जो है क्लासिक चिकन बर्गर, ये चिकन पैटी के साथ बनेगा, चिकन पैटी के साथ बनेगा। तो चिकन पैटी के साथ आप और वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पैटी जो है उसके साथ आप और वैरायटी भी ऐड कर सकते हैं, आपने सिर्फ सॉसेज चेंज करनी है। ब्रेड क्रम की जो आपकी पैटी है उसके साथ आप सॉसेज चेंज करके आप इसका फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, वैरायटी बढ़ा सकते हैं। स्मोक चिकन फ्ले बर्गर, ये ग्रिल्ड फ्ले होगा चिकन का, तो इसकी भी आप 2-3 वैरायटी बना सकते हैं, एक ही पैटी के साथ आप ये सारे काम कर सकते हैं। इसी तरह क्रिस्पी फ्राइड बर्गर है, तो ये जो क्रिस्पी फ्राइड बर्गर है इसके भी आप फ्लेवर दे सकते हैं, लेकिन पैटी आपकी हर जगह सेम यूज होगी। 4 किस्म की पैटीज़ हैं जिनके साथ आप वैरायटी बढ़ा सकते हैं सॉसेज चेंज करके। इसी तरह बीफ की वैरायटी है, हम बीफ में बनाएंगे बीफ मशरूम बर्गर, बीफ हैलेपिनो बर्गर, बीफ पेपरोनी, क्लासिक बीफ बर्गर, 4 किस्म के बर्गर्स बनाएंगे। अब हमने इसको डिवाइड कैसे किया है, हमारे पास 4 दिन हैं। आज हम बनाएंगे स्टार्टर्स, कल इंशाल्लाह बनाएंगे चिकन की जो बर्गर की रेंज है वो पूरी बनाएंगे, नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम बनाएंगे बीफ की पूरी रेंज, और संडे को हम बनाएंगे फ्राइज़। फ्राइज़ की स्लाइड दिखाएं। मेन्यू में 3 किस्म की हमने फ्राइज़ डाली हैं,
मसाला फ्राइज़, बारबेक्यू फ्राइज़, पेपरिका फ्राइज़ और एक रेगुलर फ्राइज़ भी हो सकती है। इसके अलावा पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमने दो किस्म की डाली हैं, फजीता और टिक्का। इसके अलावा आपके मेन्यू में सॉफ्ट ड्रिंक और पानी होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा मेन्यू है, टोटल इसमें 20 आइटम्स आएंगे। तो जब भी मेन्यू डिज़ाइन करें, इसी तरह आपने मेन्यू को डिज़ाइन करना है। मेन्यू आपका छोटा हो, सिंपल हो, ताकि ईजी टू ऑपरेट हो, आपको बहुत ज़्यादा स्टाफ ना रखना पड़े और बहुत सारा इन्वेंट्री आपको ना रखनी पड़े। अगर आपका मेन्यू लंबा होगा तो आपकी इन्वेंट्री भी ज़्यादा होगी। तो इसको ज़रा अच्छे से प्लान करना है। जब आप देखेंगे काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं हमारी, मल्टीपल काम हो रहा होगा उससे। पैटी एक बनाई, उसे तीन सॉस डाले, तीन बर्गर तैयार। तो इस किस्म का जो है मेन्यू हमने डिज़ाइन करना है, ताकि इन्वेंट्री भी आपकी कम हो, बनाने में आसानी भी हो और क्विक आपकी रेसिपीज़ बन भी जाए। तो आज बात करेंगे स्टार्टर्स की। तो तीन किस्म के स्टार्टर्स हम बनाएंगे। चिकन नगेट्स हैं हमारे पास, चिकन स्ट्रिप्स और विंग्स। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पर चिकन नगेट्स से। चिकन का कीमा हमारे पास बोनलेस, इसको हम कीमा बनाएंगे। ब्रेड क्रम्स हैं, मैदा है, सीजनिंग। अच्छा, नगेट्स चूँकि बच्चों के लिए होते हैं तो आपने स्पाइस लेवल इसका बड़ा जो है माइल्ड रखना है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए। इसमें सीजनिंग होगी, यहाँ पे सॉल्ट है, वाइट पेपर है, चिकन पाउडर है, ग्रीन चिल्ली का थोड़ा सा हम टच देंगे ताकि हल्का सा फ्लेवर आए, गार्लिक है हमारे पास और यहाँ पे कॉर्नफ्लावर है, अंडे, मिल्क। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो बल्कि ये वाला चिकन थोड़ा चेंज करें इसे। नगेट्स के लिए ब्रेस्ट का बोनलेस लेंगे, इसको हमने इस तरीके से जो है मोटे मोटे पीसेस कर लेना है। नगेट्स मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, लेकिन इसका जो मिक्सचर होता है वो सेम होता है। आप इसको जो चाहे शक्ल दे सकते हैं। स्टार शेप के भी आते हैं, राउंड भी आते हैं, स्माइली फेसेस के साथ भी नगेट्स आ रहे होते हैं, लेकिन वो सब डाई के साथ बनते हैं। अगर आपके पास डाई है, मार्केट से आराम से मिल जाती है, तो आप मुख्तलिफ किस्म की डाइज लेकर उसके साथ नई नई शेप बना सकते हैं नगेट्स की। ये चिकन अब सीजनिंग करेंगे। चिकन पाउडर इसमें जाएगा। अच्छा, मार्केट में जो नगेट्स रेडीमेड मिलते हैं उसके अंदर चिकन के साथ जो है वेजिटेबल प्रोटीन भी होता है, जो कि कॉस्ट कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट पेपर जाएगा इसमें। हमने चिकन पाउडर डाला, नमक, वाइट पेपर, गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। सॉफ्टनेस के लिए इसके अंदर शामिल करेंगे ब्रेड स्लाइसेस। ब्रेड स्लाइसेस कैसे शामिल करना है, दो स्लाइसेस लेंगे। इन दो स्लाइसेस को हमने पानी डालना है, थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, फौरी से हो जाएंगे। इनको हमने इस तरीके से निचोड़ना है और चिकन में शामिल कर देना है। ये बिल्कुल हमारी जो मैरिनेशन तैयार हो गई सारी। अब बस हमने इसको चॉपर में डालना है और घुमाना है। तो ये हमारा मिंस तैयार हो जाएगा नगेट्स के लिए। और यहाँ पे छोटे से ब्रेक का भी टाइम हो गया है, जब तक मैं इसको पीसता हूँ आप जाएँ ब्रेक पर, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। ब्रेक पे आने से पहले हमने नगेट्स को चॉपर में चलाया था। ये देखें मिंस बन गया है। अब हम इसको जो है नगेट्स की शक्ल देते हैं। ये कटर भी हमारे पास, कुछ कटर की मदद से भी काम करेंगे।
और हम सिंपल शक्ल भी दे लेंगे इसकी। थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल करेंगे नगेट्स बनाते हुए, ताकि ये मिंस आपके हाथ पे चिपके ना, और आसानी के साथ जो आप इसकी शेप दे लें। इन नगेट्स को आप फ्रोज़न कर सकते हैं। फ्रोज़न करने का तरीका, आपने नगेट्स को जो है पहले शक्ल दे लेनी है प्रॉपर। इसकी बहुत सारी डाइयाँ आती हैं, जो पूरी ट्रे होती है डाई की ना, तो उसके अंदर रखा आपने, प्रेस किया और आपके नगेट्स की शक्ल तैयार हो गई। नगेट्स को आप शेप दे के फ्रीज़ कर दें। जब फ्रीज़ हो जाएगा ना ये, तो उसके बाद ये डी शेप होने का चांस बहुत कम हो जाएगा इसका। तो बाकी जो इसकी कोटिंग का मरहला है वो सारा आप इसको फ्रीज़ होने के बाद करें, तो आपका नगेट्स जो है बिल्कुल फर्स्ट क्लास शेप के साथ आएंगे। और फिर कोटिंग करने के बाद भी आपने इसी तरह इनको फ्रीज़ कर देना है। जब फ्रीज़ आप कर देंगे तो उसके बाद पैकेट में आपस में चिपकेंगे भी नहीं। सिंगल सिंगल इनको फ्रीज़ करना है, क्योंकि ये सॉफ्ट मीट होता है ना, तो थोड़ा ये चैलेंज होता है कि आपका जो शेप इसका आउट हो जाए, तो इसको जो है आपको फ्रीज़ करना ज़रूरी है। अगर आप फ्रीज़ नहीं करेंगे तो प्रॉपर शक्ल आएगी नहीं। और इसके साथ ही साथ जो है आप इसकी कॉस्टिंग भी कर सकते हैं। कॉस्टिंग कैसे होती है इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि कॉस्टिंग कैसे होती है। लेकिन कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे हमने ये आधा किलो का बैच लगाया है, अब आपने जब इसको कंप्लीट कर लिया, आपके पास लेट सपोज 40 या 50 दाने नगेट्स के बन गए, तो इसका यील्ड साइज़ हो जाएगा। यील्ड साइज़ होता है आउटपुट, कि हमने कच्ची चीज़ ली, उसको हमने पका लिया, बना लिया, पकने के बाद उसका कितना वेट है या उसके कितने पीसीज हैं, ये यील्ड साइज़ होता है। तो यील्ड साइज़ से कॉस्टिंग निकलती है पूरे बैच की। और इन नगेट्स को जो है आप मुख्तलिफ फ्लेवर भी दे सकते हैं। आप इसमें जो है इसी जो है मिक्सचर के साथ आप चीज़ फिल कर दें, चिकन चीज़ बॉल्स बन जाएंगे आपके। आप इसको आलू के साथ मिक्स कर दें। मिसेज आसिफ है हमारे पास कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप बताएं खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शो आपका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे केक तो एक ही तरीके के ज्यादातर होता है, चॉकलेट केक में बना लेती हूँ। जी जी। मगर एक बहुत बड़ी शॉप है जी, जिसका मोल्ड केक मैंने खाया था, मैंने आज वो केक की फ्रॉस्टिंग ट्राई की। आवाज आपकी स्लो आ रही है थोड़ी। मुझे मोल्ड फ्रॉस्टिंग बनाना सिखा दें। मोल्ड केक? जी मोल्ड केक। और वो मुझे फ्रॉस्टिंग बनती नहीं है, केक बहुत अच्छा बन जाता है, सिर्फ फ्रॉस्टिंग में ना वो फ्रॉस्टिंग दानेदार हो रही है मक्खन के साथ, सही से नहीं बन पा रही, और जो वो आउटलेट की फ्रॉस्टिंग है वैसे नहीं बन पा रही। टेस्ट वैसे आ जाता है आपका? जी केक बहुत अच्छा बन जाता है। टेस्ट आपका मैच हो जाता है? हाँ टेस्ट बिल्कुल मैच हो जाता है, टेस्ट बिल्कुल मैच हो जाता है, और बहुत सॉफ्ट भी बनता है और बहुत वाइब भी होता है। जब इसकी फ्रॉस्टिंग मुझे सही नहीं बनती और पिसल जाती है, बिल्कुल वैसे बाहर जैसा लुक नहीं आता। फ्रॉस्टिंग का मेथड बताएं अपना, मैं अभी सेट कराता हूँ आपको। 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम आइसिंग शुगर, इसमें जो बच्चे जो मॉल्ट वो हॉर्लिक्स या माइलो वगैरह उसका साशे, और थोड़ा सा वनीला एसेंस। जो शुरू का आपका स्टेप है ना बटर का और आइसिंग शुगर का, आपने वो बहुत अच्छे से जो बटर को लाइट करना है, खूब चलाना है। ठीक है। जब आपका बटर अच्छे से चलेगा ना, सही है, बिल्कुल उसको अच्छी तरीके से आपने विप करना है, फेंटना है, तो उसमें दाना खत्म हो जाए, बिल्कुल फ्लफी हो जाएगा। एक तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, अगर येलो है ऑफ वाइट है तो वाइटनेस की तरफ आ जाएगा। तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आपने इसके अंदर डालनी है, ठीक है, डाल के मिक्स करके आप छोड़ दें, 10-15 मिनट छोड़ दें, उसके बाद उसको दोबारा मिक्स करें, वो जो दाने आते हैं ना चॉकलेट्स के और माल्ट के, तो वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ आपने इसका प्रोसेस को सेट करना है, आपकी रेसिपी सही है। ठीक
बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज। जब भी कॉल किया करें गांडी, टीवी का जो वॉल्यूम है ना वो बिल्कुल म्यूट कर दिया करें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अभी भी मुस्तकिल आवाज़ आ रही थी। ये देखें जी, यहाँ पे नगेट्स की मैं शेप बना रहा हूँ मुख्तलिफ। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाऊंगा मैंने कितनी शेप्स बना ली हैं। तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रहे हैं नगेट्स, नगेट्स को मुख्तलिफ शेप दे रहे हैं। अच्छा, कुछ जो है नगेट्स आज हम फ्राई करेंगे और कुछ को मैं फ्रीज़ कर दूंगा, क्योंकि ये जितना अच्छा फ्रीज़ होगा ना उतना बेहतरीन इसका जो टेक्सचर आएगा, डी शेप नहीं होगा। तो उसको हम कल के शो में इंशाल्लाह फ्राई करके आपको बताऊंगा मैं कि फ्रीज़ होने के बाद क्या रिज़ल्ट है। तो फ्रीज़ होने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि आपको मार्केट्स में पैकेट्स के मिलते हैं। देखिए कटर है, इसके अंदर आपने डाला इसको और सिंपल आपने इसको इस तरीके से निकाल लिया। देखें अब स्टार शेप भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप इनको जो है चार छः दानों को फ्रीज कर देंगे और कल इंशाल्लाह इसको फिर फ्राई करके बताएंगे। बाकी यहाँ पे देख लें, ये मुख्तलिफ शेप्स हमने बना दिए। इसको भी रख देते हैं, इसको करते हैं फ्रीज, इसको कल फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको कोट कैसे करना है कि कोटिंग इसकी ऐसी आए कि बिल्कुल फर्स्ट क्लास वाली। तो ये सारी चीज़ें करते हैं साइड में। मैदा लेंगे, मैदे में शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर। अगर चार चमचे आपका मैदा है तो एक चमचा आपका कॉर्नफ्लावर होगा। ये आपने इस तरीके मिक्स कर लेना है। दूसरी तरफ आपने बॉल में अंडे तोड़ने हैं। इनमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे और आपने इसको फेंटना है। चाहे तो इसमें थोड़ी सी जो है सीजनिंग कर सकते हैं, हल्का सा नमक, चिकन पाउडर डाल लें। अब आपने एक एक पीस आराम से उठाना है। देखिए अभी सॉफ्ट है तो डी शेप होने का चांस है, लेकिन जब ये फ्रीज़ होगा तो बिल्कुल ये सेट हो जाएगा, फिर कोई चांस नहीं है इसके डिफ्रोस्ट होने का। ड्राई बैटर में इसको अच्छे से कोट करेंगे। अच्छा, ड्राई बैटर हम इसलिए लगाते हैं कि आप कभी भी कोई भी चीज़ कोट करें ना ब्रेड क्रम्स से, तो ड्राई बैटर में पहले लगा लें। इससे कोटिंग जो है ना बड़ी मज़बूत हो जाती है, कोटिंग आपकी हिलेगी नहीं अपनी जगह से। नहीं तो आपने देखा होगा फ्राइंग के दौरान कोटिंग जो अलग हो जाती है। तो अगर ये आप पहले लगा देंगे तो बिल्कुल बाइंडिंग हो जाएगी। पहले आपने ये प्रोसेस किया, इसके बाद इसको ये शेप तो आप हाथ से ही दे सकते हैं। एक स्टेप ये हो गया, अब हटाएंगे इसको। अब ये वाला जो बैटर है आपका, अब जाएगा ये इस बैटर में।
जी हमारे साथ फरजाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अपने टीवी का वॉल्यूम, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिएगा थोड़ा, कॉल ड्रॉप हो गई। देखा टीवी का वॉल्यूम कम नहीं किया तो कॉल आपकी ड्रॉप हो गई। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये देखें जी, अब इस स्टेप के बाद भी आप इसको अलग अलग ट्रे में लगा के, किसी भी एक ट्रे में लगा के बटर पेपर बिछा के आप ये रखें और आप इसको फ्रीज़ कर दें। जब ये फ्रीज़ हो जाएं तो इनको इकट्ठा करें और एक पैकेट में आप डाल के सील करके रख दें, तो ये फ्रोज़न नगेट्स आपके तैयार हो जाएंगे और आप इसमें चिपकेंगे भी नहीं। ये देखें काफ़ी हद तक तो शेप बचा हुआ है। अगर आप अच्छा, एक टिप ये है कि अगर ब्रेड इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आपने इसमें मीठी ब्रेड इस्तेमाल नहीं करनी। आपने इसमें फीकी वाली ब्रेड होती है, दो किस्म के ब्रेड मिलती है, एक मीठी होती है एक फीकी होती है। तो कुकिंग में जब भी इस्तेमाल करें फीकी ब्रेड आपने इस्तेमाल करनी है, तो उससे आपका टेस्ट ख़राब नहीं होगा, नहीं तो आपके नगेट्स का, पैटी का, जिसमें भी आप डाल रहे हैं ब्रेड, टेस्ट जो है ख़राब होने का चांस है। तो इसका थोड़ा ख्याल करना है, ब्रेड हमेशा फीकी इस्तेमाल करेंगे। ये देखें जी, और अगर आप ये घर में बनाते हैं ना तो बहुत हेल्दी, और आपको पता है कि आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल साफ़ सुथरा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्पाइस लेवल रखना है, जितना टेस्ट आपने बढ़ाना है कम करना है अपनी मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। ये ले जी, नगेट्स भी तकरीबन हमारे तैयार हो गए। अभी हम आगे पोर्शन साइज भी डिस्कस करेंगे कि आपने कितना पोर्शन रखना है और उसकी प्राइसिंग क्या है। इंशाल्लाह कल जो हमारा टॉपिक होगा वो कॉस्टिंग का होगा, हम डिस्कस करेंगे कॉस्टिंग, आपने प्राइसिंग कैसे सेट करनी है और कॉस्टिंग कैसे करनी है। इसको रखते हैं फ्रिज में। चलें थोड़ा सा सेट हो जाएगा, मैं हैंड वॉश कर लूँ जब तक आप जाएँ, छोड़े ब्रेक पर मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। चिकन नगेट्स हमने बना के फ्रिज में रख दिए हैं, अब तैयारी करेंगे चिकन स्ट्रिप्स की। चिकन स्ट्रिप्स इतने साइज़ के हमने बना के कटिंग करके रख ली हैं। लहसुन का पेस्ट, नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें, वाइट पेपर, थोड़ी शुगर डालेंगे। अच्छा टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है इसका, इसमें शुगर भी जा रही है, इसमें डालेंगे हम सोया, फ्रेश सोया, सोया सॉस इसमें जाएगा, और यहाँ पर मस्टर्ड पेस्ट। मैरिनेशन टाइम इसका मिनिमम 2 घंटे का है, आपने 2 घंटे मसाला, सॉरी मैक्सिमम 2 घंटे का, 2 घंटे मसाला रख लें लगा के, और अगर आपने जल्दी बनाना है तो आधे घंटे में भी ये तैयार हो जाएगा, मसला नहीं है। बस ये सोया जो हमने इसमें डाला चॉप करके, सोया ऑप्शनल है, अगर आपको टेस्ट नहीं पसंद इसका आप ना डालें, लेकिन इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है इसका। अंडा यहाँ पर टूटा हुआ रखा था हमारे पास, यही शामिल कर देते हैं। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, सारा मसाला जो है मिक्स हो जाए। इसमें शामिल करेंगे कॉर्नफ्लावर, और ये बड़ी अच्छी सी जो है मैरिनेशन बन जाएगी। ये देखें ये तैयार हो गई है, अब इसको भी हम कोट करेंगे।
ब्रेड क्रम्स, ये जितनी भी ये प्रोडक्ट है आप बना के इसको फ्रीज कर सकते हैं, और क्योंकि रेस्टोरेंट में आपके पास इतना टाइम होता है, आपके पास कॉल आई, आपने 45 मिनट के अंदर फूड तैयार भी करना है और फूड डिलीवर भी करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि सारी चीज़ें जो आपकी रेडी हों, ये जितने स्टार्टर हैं आपके तैयार हों फ्रोज़न फॉर्म में, आपने इनको डायरेक्ट डाला डीप फ्रायर में 160 डिग्री पे और 3 से 4 मिनट फ्राई किया, कलर आया और आपने सर्व किया। फ्रोज़न प्रोडक्ट की ये जो स्नैक्स हैं हमारे, इनको थॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम फ्राइज़ की बात करें और इस तरीके के स्नैक्स की बात करें तो आप जो है इसको डायरेक्टली उठा के फ्रोज़न फॉर्म में फ्रायर में डाल दें, 3 से 4 मिनट में वो अंदर ही अंदर थॉ भी हो जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। बस टेम्परेचर जो है आपके फ्रायर का वो सही होना चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, बहुत हाई होगा तो फिर ख़राब होने का चांस है, कलर जल्दी आ जाएगा, अंदर से कचर आ जाएगा अगर आप 160 से एक्सीड कर जाते हैं तो। जैसे हमने नगेट्स पे भी कोटिंग की थी वो मेथड भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। पहले मैदा और कॉर्नफ्लोर में लगाकर उसके बाद अंडे में डिप करके फिर आप इस पर ब्रेड क्रम लगाएं तो वो भी बेहतर रहेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, इंशाल्लाह कल जो हमारे बर्गर की पूरी रेंज है चिकन बर्गर्स की, उसमें आप देखेंगे कि रेसिपीज़ मेथड जो है हमारा और बेसिक रेसिपीज़ मैरिनेशन जो है वो तकरीबन कुछ चीज़ों की सेम होंगी, लेकिन जब प्रोडक्ट एंड रिज़ल्ट होगा, प्रोडक्ट बन के आएगी तो टेस्ट प्रोफाइल सबका चेंज होगा। तो मेन्यू को कोशिश करें इसी तरीके से प्लान करें, और इससे ये भी होगा कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो भी कम हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोर नहीं करनी पड़ेंगी, लिमिटेड चीज़ें होंगी, और जितनी कम इन्वेंट्री होगी आपके स्टोर के अंदर उतना मैनेज करना आसान होगा। आप चाहें तो इसको डबल कोट भी कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सिंगल से भी अच्छी आ गई है। कुछ टाइम मिला तो मैं आपको डबल कोट करके भी इसको दिखा दूँगा। एक पोर्शन में ये 4 पीस काफ़ी होंगे। आप जब भी जाते हैं रेस्टोरेंट में, अगर आप एक पोर्शन ऑर्डर करते हैं तो उसमें तकरीबन एक सर्विंग में 4 पीस आते हैं। इस साइज़ के 4 पीस एक पोर्शन में आपके लिए काफ़ी हैं, और आप चाहें तो इनके पोर्शन भी बना के रख सकते हैं। अगर इन्वेंट्री आप मैनेज कर रहे हैं तो आपने पोर्शन बना के रखना है, कैसे, ऑर्डर्स के हिसाब से। एक ऑर्डर में अगर 4 पीस आते हैं, आपने एक छोटी थैली के अंदर 4 पीस डाले और पैकेट बना के रख दिया, इससे जो आपकी इन्वेंट्री भी बड़ी आसान हो जाती है, मैनेज करना भी बहुत आसान होता है, आपको पता होता है कि कितने पोर्शन जो अभी आपके इन हैंड हैं। अगर आप एक ही मास्टर बैग में सारे बना के रख देते हैं तो उसमें इन्वेंट्री थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस मॉड्यूल पर जाएंगे कि आपने ऑर्डर के हिसाब से पैकेट्स बना के रखना है तो बहुत आसानी हो जाएगी। और इसका तरीका भी यही होता है कि लेट सपोज आपने 50 पोर्शंस की इन्वेंट्री रखी हुई है फ्रीज़र के अंदर, आपको पता है कि आपके 15-20 पोर्शन तो चल जाते हैं रोज़ाना, तो 15-20 पोर्शन आपने निकाल के जो है वो फ्रिज में रख दिए, वो थॉ भी हो जाएंगे प्रॉपर टाइम से और आपकी इन्वेंट्री भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अब इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे कि आपने ऑर्डरिंग कैसे करनी होती है और फोरकास्टिंग कैसे करनी होती है कि वीकडेज़ में कैसा बिज़नेस चल रहा है और वीकेंड्स पे कैसा बिज़नेस है, तो उसको देखते हुए आपने जो है डिमांड कैसे बनानी है, परचेज़ ऑर्डर कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें। और फिर कॉस्ट को कैसे सेव कर सकते हैं टाइम के साथ साथ,
अगर हम चिकन की बात करें, कुछ सीज़न में चिकन बहुत महंगा होता है, कुछ सीज़न में सस्ता होता है, तो सस्ते सीज़न में उठा के प्रोडक्ट को सिक्योर करना, स्टोर करना, वो कैसे किया जा सकता है, उसकी क्या ट्रिक्स होती हैं? ये लें जी, ये सारी चिकन हमारी इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे। आप जितना रेस्ट देंगे ब्रेड क्रम लगा के फ्रिज में चिकन को या किसी भी प्रोडक्ट को, उतनी अच्छी कोटिंग आएगी। चलें जी, ये चिकन स्ट्रिप्स भी हमारी तैयार हो गई, सिर्फ एक रेसिपी अभी रह गई हमारी फ्राइड विंग्स की और उसके साथ डिप। तो जब तक मैं यहाँ की थोड़ी सफाई करता हूँ, सेटिंग करता हूँ, टाइम है ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। दो रेसिपीज हम तैयार कर चुके हैं, बस फ्राई करनी है चिकन स्ट्रिप्स और चिकन नगेट्स। तीसरी रेसिपी क्रिस्पी फ्राइड विंग्स, इसकी तैयारी है। विंग्स हमारे पास स्किन वाले हैं, इनको हमने सेंटर से दो पीस कर लिए हैं, तो इस किस्म की ये शेप आ जाएगी। इसको मैरिनेट करेंगे। ग्रीन चिल्ली पेस्ट है हमारे पास, ये थोड़ी चटपटी रेसिपी है। लहसुन का पेस्ट या चॉप्ड, चिकन पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा चटपटा रखेंगे इसको। वाइट पेपर, उन सारी चीज़ों को करना अच्छे से मिक्स, और इसमें जाएगा एक अदद लेमन का जूस। इसका मैरिनेशन टाइम मिनिमम 2 घंटे है, मैक्सिमम इसको 12 घंटे आप रख सकते हैं, 12 से 24 घंटे। जितना ज़्यादा टाइम देंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। अच्छे तरीके से आप चाहे तो इस मैरिनेशन का पेस्ट भी बना के रख सकते हैं। और ये जो मैरिनेशन है, आपने ब्रोस्ट बनाना है तो ब्रोस्ट में भी ये मैरिनेशन चलेगी। ये देखें, ये हो गया। अब इसका बनेगा ड्राई बैटर। इसके लिए थोड़ा सा हमको चाहिए इधर बाउल खुश्क, मैदा है हमारे पास, कॉर्न फ्लावर और राइस फ्लावर यानी चावल का आटा, ये इसमें डालेंगे। थोड़ा सा चिकन पाउडर, नमक, मेरे ख्याल से नमक इसमें डालना मिस हो गया, तो इसमें मैं नमक डाल देता हूँ। उसमें आएंगे तिल, और इन सारे अज़ा को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, इसमें हमने तिल का इजाफा किया है और इसका मेथड भी थोड़ा चेंज है। इसको सिर्फ हम एक दफ़ा कोट करेंगे इस बैटर के अंदर और फिर इसको करेंगे फ्राई। नमक डाला था इसमें, बाद में इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं मिक्स। ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है, बल्कि ज़्यादा ही गर्म हो गया था, इसमें धुआं निकलने लगा था, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल दरमियानी आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। और अगर आपका ऑयल गर्म है और आपने प्रोडक्ट इसमें डाल दिए, तो ज़रूरी नहीं आप उसको पूरा फ्राई करें, आप उसको निकाल लें। आपको लगता है कि ये ऊपर से कलर आ जाएगा, पकेगा नहीं, जल जाएगा, तो आप पूरा इंतज़ार ना करें प्रोडक्ट ख़राब होने का, आप उसको निकाल लें और फिर जब ऑयल ठंडा हो जाए आप दोबारा डाल दें उसको। ये देखें, इस तरीके से कोट करके इस पर हमें बहुत ज़्यादा फ्लैकी जो है कोटिंग भी नहीं चाहिए, जैसे कि ब्रोस्ट के ऊपर होती है, उससे थोड़ी सी कम कोटिंग।
अगर ब्रोस्ट वाली कोटिंग हमें चाहिए होगी तो हम इसको फिर एक दफ़ा लिक्विड में भी डिप करेंगे, उसके बाद फिर ड्राई में डालेंगे। तो वो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको सिंपल एक दफ़ा ड्राई बैटर में डाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ऑयल का टेम्परेचर चेक करते हैं, क्या पोजीशन है? सही है, ऑयल हमारा सही हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको, इसी तरह सारे विंग्स को हमने कोट करना है। अच्छा, अब ऑर्डर टाइम जिंगर के लिए या इसके लिए विंग्स के लिए, इसके लिए भी उतना ही टाइम होता है जितना नगेट्स के लिए होता है, लेकिन ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है फ्राइंग में, तो इसका क्या तरीका होगा? इसको हम हाफ डन करके रखेंगे। हाफ डन मतलब अगर इसका फ्राइंग का टाइम 15 मिनट है तो आपने इसको 8 मिनट फ्राई किया या 10 मिनट फ्राई किया, उसके बाद आपने निकाल लिया और आपने इसको रख दिया स्ट्रेनर में। अब जैसे ही आपका ऑर्डर आएगा आपने इसको डाला फ्रायर में और 6-7 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। आपको नए सिरे से इसको फ्राई करना नहीं पड़ेगा, अगर नए सिरे से फ्राई करने जाएंगे तो आपका ऑर्डर जो है लेट हो जाएगा। ये लें जनाब, ये सारे एक साथ शामिल कर देंगे। धीमी आंच पे इसको 12 से 14 मिनट फ्राई करेंगे, तक ये फ्राई हो रहा है थोड़ी सफाई कर लें। अच्छा, मेन्यू प्लानिंग में हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि बच्चों के लिए कुछ ना कुछ आइटम्स आपके पास होने चाहिए, और कुछ मार्केटिंग ट्रिक्स भी होती हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए, कस्टमर को इंगेज करने के लिए। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट जो होते हैं बच्चों के लिए छोटे छोटे इनामात और गिफ्ट का जो है सिलसिला रखते हैं कि बच्चे आए उनको थोड़ी सी जो है गिफ्ट दे दिया, तो फिर क्या होता है नेक्स्ट टाइम बच्चे कहते हैं नहीं हमने उसी रेस्टोरेंट में जाना है, वहाँ पर गिफ्ट मिलता है। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है कस्टमर्स को रिटेन करने की। जब तक ये फ्राई हो रहा है इसको एक दफ़ा चेक भी कर लें, शक्ल आपको दिखा दें, ये देखें इस किस्म की इसकी शक्ल आएगी। जब तक ये फ्राई हो रहा है टाइम है, एक छोटे ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। चिकन नगेट्स, अज्जा, चिकन का कीमा 500 ग्राम, रेड स्लाइस 2 अदद, ग्रीन चिल्ली पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा। कोटिंग के लिए अज्जा, मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, दूध 2 खाने के चमचे, अंडे 2 से 3 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। चिकन स्ट्रिप्स, अज्जा, बोनलेस चिकन स्ट्रिप्स 500 ग्राम, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, कटा सोया 1 खाने का चमचा, कॉर्नफ्लावर 4 खाने के चमचे, अंडा 1 अदद, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राई करने के लिए तरकीब, मिक्सिंग बोल में चिकन और तमाम अज्जा सिवाय ब्रेड क्रम्स के मिक्स करें और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब चिकन पर ब्रेड क्रम्स लगाकर तेल में धीमी आंच पर फ्राई करें, जब चिकन पर गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लें। क्रिस्पी फ्राइड विंग्स, अज्जा, चिकन विंग्स स्किन के साथ 500 ग्राम, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, ग्रीन चिली पेस्ट 2 खाने के चमचे, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, इसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा। बैटर के लिए अज्जा, मैदा 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चावल काटा 2 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, तिल 1 खाने का चमचा। तेल तलने के लिए तरकीब, चिकन विंग्स को 2 टुकड़ों में काट लें। अब बोल में विंग्स और तमाम अज्जा मिलाकर 2 घंटे के लिए मैरिनेट करें, फिर फ्रिज में रख दें। अब अलग बोल में बैटर के तमाम अज्जा मिला दें, फिर विंग्स को बैटर में डिप करके तेल में धीमी आंच पर फ्राई कर लें।
हनी चिल्ली सॉस अज्जा टोमेटो केचप एक कप शहद एक खाने का चमचा कटी हरी मिर्च एक चाय का चमचा तरकीब तमाम अज्जा को मिक्सिंग बोल में डालकर मिक्स करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे हमारे जो हैं विंग्स फ्राई हो रहे हैं, साथ ही साथ फ्राई कर लेते हैं यहाँ पे नगेट्स। अब विंग्स या चिकन जब भी फ्राई होती है आप देखते हैं कि इसमें जैसे आप चिकन डालते हैं पानी के शोर की आवाज़ आती है, तो इसका मतलब है इसके अंदर मॉइस्चर है। जैसे जैसे ये फ्राई होते रहते हैं मॉइस्चर कम होता रहता है, आवाज़ कम होती रहती है। चलिए यहाँ पे ये फ्राई हो गए, बड़ा अच्छा सा कलर आ गया। और इन्हीं विंग्स को अगर आप मुख्तलिफ सॉस के साथ टॉस कर देंगे, लेट्स सपोज अगर हम हनी विंग्स की बात करते हैं, हनी सॉस के साथ आप इसको टॉस कर दें, हनी विंग्स हो जाएंगे। बफेलो के साथ टॉस कर दें, बफेलो विंग्स हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आप मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो है डेवलप कर सकते हैं। चलें जी, ये विंग्स हो गए तैयार, साथ ही साथ में शामिल कर देते हैं स्ट्रिप्स। काफ़ी हैं, बड़ी झटपट सी सॉस है हमारे पास, इसको सिर्फ मिक्सिंग करनी है और सॉस हमारी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे नगेट्स को भी चेक कर लें, बड़ा अच्छा सा कलर आ रहा है। ये देखें प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा डीप फ्राई होगी उतनी ज़्यादा जो है अच्छी शक्ल आएगी। चलें ये विंग्स तैयार हो गए जड़, ये देखें नगेट्स भी तैयार हो गए, शेप बिल्कुल अच्छा है। तो इस तरीके से लगा दें, देखें ये दोनों तैयार होंगे रेसिपीज। डिप बड़ी शॉर्ट रेसिपी और क्विक। अच्छा जी, केचप है, इसके बाद हनी और ग्रीन चिली, यह आपने मिक्स किया इसको और यह हमारी डिप जो है तैयार हो गई है। और इस डिप के साथ भी आप जो है विंग्स को कोट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे स्ट्रिप्स की क्या पोजीशन है, थोड़ा सा कलर आ जाए तो उसको निकाल लेंगे। जब तक इसको हटा दें यहाँ पे, ये देखें दो रेसिपीज तो हमारी परफेक्टली डन हो गई हैं। नगेट्स का शेप बिल्कुल आ गया है, जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने थोड़े फ्रीज भी करके रखे हैं, तो कल जो इंशाल्लाह आपको वो भी फ्राई करके दिखाएंगे, आप खुद ही डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है। लेकिन ये भी बड़ी अच्छी शेप आई है। फाइनली चिकन स्ट्रिप्स को सर्व करेंगे। कल का शो देखना ना भूलिएगा क्योंकि ये एक सिलसिला है,
पूरा मेन्यू जो हमने डिज़ाइन किया बर्गर शॉप का, ये जब ही कारामद होगा जब आप चारों शोज देखेंगे। ये देखेंगे, आज हमने स्टार्टर बनाया, कल इंशाल्लाह हम बनाएंगे सारे चिकन बर्गर्स की रेंज। कि चिकन बर्गर्स कितने किस्म के हमने मेन्यू में रखे हैं और उनको कैसे बनाना है। ये लें जनाब, ये भी तैयार हो गई हमारी। इसके साथ ही साथ हमारे शो का टाइम ख़त्म हो रहा है, कल का शो देखना ना भूलिए रहेगा। कल हम बनाएंगे बर्गर्स, तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।